नमस्ते एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैथ में एक टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टर। फैक्टर होता क्या है, फैक्टर होता क्या वो समझेंगे पहला। दूसरा चीज़, फैक्टर किसी नंबर के कितने हो सकते हैं वो। दूसरा, अगर हम उस फैक्टर को जोड़ेंगे जो जो आए हैं तो सम कितना होगा वो निकालना सीखेंगे इजीली तरीके से। दूसरा, इवन फैक्टर्स कितने होंगे उनको निकालेंगे, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे उनको निकालेंगे। ऐसे ही बहुत से टॉपिक हैं इसमें छोटे छोटे, वो सीखे हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं। फैक्टर होता क्या, पहले एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 12 है, ठीक है, तो 12 एक नंबर है, तो इसका फैक्टर पूछ सकते हैं। तो फैक्टर कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 6 और एक हो जाएगा 12, ठीक है। तो फैक्टर मतलब होता क्या है, जो गिवन नंबर है ना उसको डिवाइड करने वाला। तो देखो, ये 12 है ना, इसको डिवाइड कर देगा, कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। 1 भी इसको डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी, 4 भी, 6 भी, ठीक है। ये सब नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो फैक्टर उसी को बोलते हैं जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। ऐसे कोई बोल दे 10 का फैक्टर क्या होगा, तो देखो 10 को कौन डिवाइड करेगा, 1, 2, 5, 10 और इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके चार फैक्टर हैं, यहाँ पर देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 6, 12, यानी इसके 6 फैक्टर हैं। और इसके कितने फैक्टर हैं, 4। तो ये तो आप छोटे नंबर का इजली बता दोगे। अगर मैं पूछ दिया कि इसका फैक्टर बताओ, तो क्या आप इजली बता सकते हो कितने फैक्टर्स होंगे? बस पूछ दूंगा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने होंगे, बताओ नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आप बता सकते हो इसका इजली? पॉसिबल नहीं है। पूछ सकता है सम ऑफ फैक्टर्स इसका बताओ, तो क्या आप इजली बता सकते हो? सोचिएगा और एक बार टाइप भी कीजिएगा वीडियो पॉज करके, आप बता दोगे इजली तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए हम तरीका पढ़ेंगे इजली तरीका। तो वही हम देखते हैं कैसे हम इजली तरीका बताएंगे। तो आपने ये समझा फैक्टर क्या होता है, फैक्टर किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। जैसे इसका सेंस क्या होगा, देखो सेंस कैसे समझेंगे, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में समझना है सेंस। अगर मान लो तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, उसे बांटना है बच्चों के बीच में, सिक्के हैं सब एक एक के। तो मान लो अगर 5 बच्चे हैं तुम्हारे पास, 5 children, ठीक है, तो हर एक बच्चे को आप 2 रुपये दे दोगे, इजली दे दोगे, क्योंकि आपको बांटना ऐसा है कि सिक्का पूरा मिल जाए, होल नंबर में सिक्का आ जाए, यानी सबको इक्वल मिले और होल नंबर में मिले। अब 2 बच्चे हैं तब कितना दोगे, 5। 1 बच्चा होगा तो 10। 10 बच्चे होंगे तो 1। क्या तुम 3 बच्चों को ये पैसा पूरा बांट सकते हो? नहीं। बांटने जाओगे तो 3 and 1/3 rupees आ जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फैक्टर का सेंस क्या है कि आप इवनली बांट रहे हो, बराबर बराबर सब बच्चों में, ठीक है। तो आप ऐसे सेंस कर सकते हो, अगर मान लो 20 रुपये है, उसको बांट के देखो बच्चे में कैसे हम बांट सकते हैं, तो वही फैक्टर कहलाता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए एक बड़े से नंबर से शुरुआत करते हैं, 108 का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। आप इजली ट्राई करोगे तो वर्बली सोच सकते हो, सोचोगे तो देखो क्या आएगा, सोच के देखो एक बार, 1, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से कटेगा, 27 से, 54 से, 36 से, 108 से, ठीक है। एक बार चेक करिए, 2, 4, 6, 2, 8, 10, 2, 12, ठीक है, यानी इसके 12 फैक्टर दिख रहे हैं। अगर आप थोड़ा और भी देखोगे तो कुछ मिलेगा तो देख लेना, लेकिन इतना ही हमें लगता है, इतना ही लोग कटाएंगे इसको कम्प्लीटली, ठीक है। तो इसके वर्बली सोचकर हमने इतने फैक्टर बता दिए, ठीक है। अगर आपसे मैं एक तरीका बताता हूँ कैसे इजली करेंगे, तो पहले आप क्या करना कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब डिवाइड करना, 2 से जैसे एलसीएम निकालते हो ऐसे करो, 27, 39, ठीक है, 3, 31, ठीक है। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये आया, तो यहाँ पर देखो 2 के पावर 2 हो रहा है और 3 के पावर 3 हो रहा है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3 हो गया। तो अब मैं तो ये तो आप वर्बली सोच लिए, लेकिन इससे भी बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फंस सकते हो, ठीक है। तो अब देखो मैं इसका 60 तरीके बताता हूँ। आपने ऐसे कर दिया है तो 2 के पावर 2 को आप एक बार 0 लिखो, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 को लिखो, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2,
3 की पावर 3, ठीक है, आपने इतना लिख लिया। अब देखो एक चीज़, किसी भी नंबर का, दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसका फैक्टर हमेशा एक होगा, देखो है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 1, 3, 9, 27, ठीक है। तो आपको टोटल फैक्टर्स बताना है ना। तो देखो 1 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि 1 तो इसका भी फैक्टर होगा, इसलिए इसमें 1 लिया। अब देखो लेकिन फैक्टर टोटल बताओ, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ये वाला इससे करेगा, फिर इससे, फिर इससे, यानी एक लोग 4 लोगों से इधर मिलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर आएगा। फिर इसका इससे करना, इससे 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 इससे, तो 4 4 12 होंगे, कितने टोटल फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पर, 12। टोटल फैक्टर्स इक्वल टू 12, ठीक है। अब कैसे 12 आया समझ भी सकते हो, देखो एक से इसमें मल्टीप्लाई करो, मैं लिख भी दे रहा हूँ, 1 आएगा, फिर 3 9 27, 1 से करने के बाद। अब 2 से करो, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 27, 2 7 जा 2 में 27 54। 4 से करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 4 7 जा 108। अब चेक कर लो ये सब पूरा यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं। तो ये तो तरीका था, अभी इतना लिखा बड़ा बड़ा, लेकिन इसका भी एक तरीका छोटा हो जाएगा। देखो कैसे, आपको बस ये देखना है कि जो 2 के पावर 2 लिखा है और 3 के पावर 3 लिखा है, तो इस पावर को हम बोल देंगे P1 = 2, इसको मान लेते हैं लेट P2 = 3। आपको नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो बस P1 में 1 जोड़िएगा, P2 में 1 जोड़िएगा, ठीक है, 2 + 1, देखो 12 आ गया कि नहीं। तो ये तो आपका फार्मूला हो गया, इजीली कर लोगे। ऐसे तो मैंने समझा दिया कि आप फैक्टर बता सकते हो, ये तरीका था सिंपल सोचने के लिए, ये सोचने के लिए एक लॉजिक बताया मैंने कि आप कैसे सोच सकते हो कितने फैक्टर होंगे, अगर बाय द वे सोचना भूल गए तब। लेकिन इसका फार्मूला देखो, ये फार्मूला वैसे यहाँ पर बहुत सिंपल है, आप फार्मूले के रूप में इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बस आपको यह देखना है, जो पावर होता है ना फैक्टराइजेशन करने के बाद, उस पावर को पहला पावर मान लो 2 आ गया, दूसरा पावर 3, तो पावर में एक एक जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल फैक्टर्स आपके इजीली आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। देखिए संभव फैक्टर्स का मतलब जितने फैक्टर्स उनको जोड़िए, तो आप ऐसे इसको वर्बली जोड़ोगे ना तो 280 आएगा, ठीक है। ये तो वर्बली सोच के हमने जोड़ लिया, लेकिन हम एक लॉजिक बताते हैं कि इजीली कर लेंगे कोई काम। तो पहले तो आपने 100 को ऐसे ब्रेक किया था, अभी टू के पावर 2, 3 के पावर 3, ठीक है। तब यहाँ पे लिखा था 2 के पावर 0 1, ऐसे स्प्लिट किया था, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, ठीक है। इतनी चीज़ें थी। तो देखो आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है ना, तो जितने फैक्टर्स बनेंगे उनको जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ने के लिए क्या होता है, आप अलजेब्रा में से थोड़ा सा पढ़े होगा तो याद होगा कि अगर दो नंबर एक्स वाई और ये है x2 + y2, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी वैल्यू निकल जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पर भी कंसेप्ट है, जो 2 के पावर 0 है, ये है, एक साइड में कर लीजिएगा और इधर वाले को एक साइड, इसको 2 2 के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। दुनिया का कोई भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो हमेशा 1 होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो 2 होगा, यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ पर आप करो तो यहाँ पर भी 1 होगा, ये 3 होगा, ये 9 होगा, ये 27 होगा, ठीक है। तो 2 1 3 4 7, यानी ये 7 हो गया, और ये वाला पोर्शन कितना होगा आप देखो, 3 1 4 13 40 होगा, ठीक है। तो भाई टोटल्स फैक्टर्स कितने हो गए, टोटल फैक्टर्स का सम कितना हो गया, 280। ये तो बाय द वे से आ गया, तरीके से आ गया, लेकिन अगर आप ऐसे, पहले तो आप ऐसे लिखना सीखोगे तब ना, अगर खूब बड़ा क्वेश्चन मतलब बड़ा नंबर कोई आ गया, मान लो इतना बड़ा आ गया, बोल दे टोटल फैक्टर्स का सम बताओ, तो पहले तो तुम इतना सोच ही नहीं पाओगे कौन कौन फैक्टर्स होगा। तो उसके लिए पहला तरीका आपने सीख लिया, उसके बाद सोच लिया तो पहले ये निकालोगे, उसके बाद फाइनली इनके पावर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ तक सम ऑफ फैक्टर्स हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, बताओ नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे इस नंबर के, यानी 100 के। तो आप यहाँ से देख सकते हो, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, ठीक है। इवन फैक्टर मतलब इवन नंबर जो दो से कटने वाला हो, ठीक है। तो आप इस छोटे नंबर का तो बता दोगे, लेकिन थोड़ा बड़ा आ जाएगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा। देखो उसके लिए तरीका क्या है, अभी आपने ये देखा था ये कैसे मैंने किया। तो देखो 2 के पावर 0 का मतलब 1, 2, 4, यहाँ पर 1, 3, 9, 27, ठीक है। तो एक बार सोचो, अगर मैं 1 से इन सभी में मल्टीप्लाई करूँगा, किसी में करूँगा, तो ये हमेशा ऑड देगा। आप करके भी चेक कर लेना, ऑड देगा, ठीक है। जब ये ऑड देगा तो 1 तो होगा ही नहीं भाई, तो 1 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल। क्योंकि आप इसमें मल्टीप्लाई करो, 1 से इसमें 1 आएगा, ठीक है, सब ऑड आएंगे, तो ये गलत है। अब लेते हैं हम 2 को, 2 से मल्टीप्लाई करो, सब में हो जाएगा, काम बन जाएगा आपका, इवन देगा। 4 से करो, काम बन जाएगा। तो कहने का मतलब इस 1 को मत लो, बाकी इसको लो और इसको लो, तो क्या हो जाएगा, 2 ठे लोग यहाँ पर, 2 लोग यहाँ पर, 4 लोगों से मिलेंगे। तो 2 4 जा 8, तो कितने इवेंट फैक्टर्स होंगे, 8। देखो ऊपर भी कितना आया था, 8, ठीक है। तो जिसको आपको नहीं लेना है उसको डिलीट मार दो, ये डिलीट मारा गया, ये खत्म, इसको नहीं लेना है। 2 ही लोग लेना है, 2 लोग 4 लोगों से मिलेंगे तो 8 लोग बनेंगे, ठीक है। तो इवेंट फैक्टर्स हो गया। अब देखो इसी तरह ऑड फैक्टर्स निकाल सकते हो, ठीक है। ऑड फैक्टर्स के लिए देखो लोग क्या करेंगे, ऐसे ही बस पहले कर लीजिए ऑड फैक्टर, ठीक है। तो देखो ऑड फैक्टर का मतलब ऑड नंबर, ठीक है। तो ये 1 वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ऑड बनाएगा, इससे करेगा तो इससे करेगा, सबसे ऑड बना देगा। लेकिन ये वाला इससे करेगा तो ऑड नहीं बनेगा, इवन बन जाएगा। तो ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि ये दोनों लोग तो कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि भाई इनका मल्टीप्लाई करो ना, देखो 2 1 2, 2 3 6, तो गलत हो जाएगा, इवन हो जाएंगे, इसीलिए ऑड फैक्टर 4 होगा। अगर आप इवन निकाल लिए तो ऑड भी निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल कितना था, टोटल 12 था, तो टोटल में से इवन वाला घटा दो, ऑड निकल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, ठीक है। अब देखो ऑड फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो ऑड नंबर हो जो 2 से न कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसको बोलते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए। जैसे यहाँ पर देखो 1 है, ये भी है, 4 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा, और कोई नहीं होगा। अब चेक कर लेना, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, बड़ा सा नंबर आ गया, 1,80,000 आ गया, उसका निकालने के लिए तरीका ये सब। तो देखो यहाँ पर आपका 1 है ना, तो 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा भाई, देखो ना बन गया ना, 1 1 जा 1, परफेक्ट स्क्वायर। 1 9 से करेगा तो बन जाएगा, तो यहाँ पर 1 खोलेंगे एक बार, ठीक है। अब देखो ये 2 से करो किसी में नहीं होगा, 4 से करो इसमें काम बन जाएगा, 4 9 जा 36, ठीक है। तो यहाँ पर कितने लोग ले रहे हैं, एक बार 1 को ले रहे हैं, एक बार 9 को, यहाँ पर कितने लोग को ले रहे हैं, एक बार ये, यानी इसको भी हम ले रहे हैं, इसको भी ले रहे हैं, इसको भी ले रहे हैं, इसको भी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जा रहा है। देखो 1 1 जा 1, 1 9 जा 9, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो कितने हो जाएंगे, 2 लोग यहाँ पर, 2 लोग यहाँ पर, तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितना हो गया बाबू, 4। यहाँ तक खत्म, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बता दिए। अब बारी आती है सम ऑफ फैक्टर्स, यानी जोड़ कैसे बताएंगे। तो अभी तो हमने तो सम ऑफ फैक्टर्स का जोड़ पढ़ ही लिया कैसे निकालते हैं, लेकिन अब इवन फैक्टर्स का जोड़, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, यानी इवन फैक्टर्स का सम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो आपने अभी ऐसे लिख लिया 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 0, ठीक है। अब देखो ये 1 देगा, ये 2 देगा, ये 4 देगा, ये 1, ये 3, ये 9, ये 27, ठीक है, इवन फैक्टर्स का सम। तो देखो ये अगर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ऑड आएगा, सबसे करेगा तो ऑड आएगा, लेकिन 2 वाला देखो इससे करेगा तो इवन, इससे करेगा तो इवन, 2 किसी नंबर से करेगा तो इवन देगा। कहने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा इसमें और ये वाला हो जाएगा इसमें, ठीक है, यानी ये दोनों लोग को लेंगे और ये दोनों लोग को लेंगे, ठीक है। तो पढ़े क्या था हम लोग, ये वाला इंक्लूड होगा और चारों लोग, बस ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 1 बनेगा, 1 सबसे मल्टीप्लाई करेगा तो ऑड देगा,
तो आपका सम ऑफ इवन फैक्टर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1, उसको लिया गया है, 2 के पावर 2, यहाँ पर देखो, ठीक है, अब देखो 2, 4, 1, 3, 9, 27, 6 और ये 40, 240 होगा आपका सम ऑफ इवन फैक्टर्स। इसी तरह आप ऑड फैक्टर्स भी निकाल सकते हो, सम ऑफ ऑड, ऑड मतलब ऑड नंबर हो जो 2 से 9 कटे, ठीक है। तो देखो इसमें ऑड किससे बनेगा, सोचो थोड़ा सा, 1 तो जाएगा तो सबसे ऑड बना देगा, देख लो 1 1 1 1 3 3 सब बना देगा, लेकिन 2 वाला जाएगा तो इवन इवन बनाएगा ना। तो इसमें किसको लेंगे, 2 के पावर 0 ले लिया यहाँ पर, यहाँ पर 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 1, इसको जोड़ने पे कितने आता हूँ आपको, 3, 9, 27, 1 × 40, यानी टोटल फैक्टर्स कितने होगा, 40, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स 40, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं जोड़ के, 1 + 3 + 9 + 27, यही ऑड नंबर है ना, यही ऑड है बस, ठीक है, तो आपका हो गया 40, ठीक है। तो यहाँ से भी आ गया और इस लॉजिक से भी आ गया, ठीक है, तो आप इतना कर लोगे। अब एक और चीज़ थोड़ा सा बचा है, उसको खत्म कर लेते हैं, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। कैसे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स का सम निकालोगे, ये मेनली SSC एग्जाम, बैंक एग्जाम, रेलवे में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स का सम, तो देखो ये 1 1 से मिलेगा तो परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, और 9 से मिलेगा तो बना देगा, तो यानी 2 के पावर 0 लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये देखो, ये 2 किसी से मिलेगा तो नहीं बनाएगा, लेकिन 4 मिलेगा 1 से तो बना देगा, इससे मिलेगा तो यहाँ पर 2 के पावर 2 भी लेना पड़ेगा। इसमें किसको किसको लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा 3 के पावर 0, क्यों समझ रहे हो, क्योंकि देखो 1 1 जा 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी 3 के पावर 2 लेना पड़ेगा। जो लोग मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे उसी को सम मिलेंगे, ठीक है। तो 1 4 1 9 5 10 जा 50, तो सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितना आ गया, 50। आप चेक भी कर सकते हो, 1 4 5 9 14 36 50, यानी 50 हो गया, 36 50, ठीक है। तो आप सम ऐसे इसलिए मैं बताया है क्योंकि आप बड़े से क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो, अपना टाइम सेव कर सकते हो एग्ज़ाम में। जो भी मैंने पढ़ाया है ये SSC एग्जाम्स, रेलवे और जितने भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं उसमें जनरली पूछा जाता है ये क्वेश्चन, पूछ देगा इस नंबर का कितना टोटल फैक्टर्स होगा, तो आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।